मुख्यमंत्री उत्तराखंड के त्रिवेंद्र सिंह रावत दिल्ली में हैं, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले हैं, नड्डा के घर मोतीलाल नेहरू मार्ग पर बैठक, केंद्र सरकार के मंत्रियों से मुलाकात वो करेंगे, कई विषयों पर चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री रावत शाम 5 बजे देहरादून के लिए रवाना होंगे। मुख्यमंत्री अमित दुबे हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं दिल्ली से। अमित, त्रिवेंद्र सिंह रावत का कार्यक्रम मुलाकात के जरिए किस बात पर फोकस रहने वाला है? देखिए, आज की जो मुलाकात है, अभी जो रिसेंटली मुलाकात चल रही है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ, यहाँ पे मुलाकात हो रही है, जो साथ मोतीलाल नेहरू पे जेपी नड्डा का आवास है वहाँ पे बैठक चल रही है। और पिछली बार भी जब सीएम दिल्ली के दौरे पे थे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से टाइम ना मिल पाने की वजह से मुलाकात नहीं हो पाई। जिस तरह से राजनीतिक उथल पुथल की बात लगातार जो है उत्तराखंड में आ रही है, सीएम को लेके कई बार कयास लगाए जा रहे हैं, हालांकि तमाम लोग जो है इसे नजरअंदाज कर चुके हैं कि ये सिर्फ कोरी अफवाहें हैं, लेकिन उस बीच आज की मुलाकात काफी अहम है। और जाहिर तौर पे जो पार्टी की गतिविधियां हैं, क्योंकि सीएम भी इस बात को जानते हैं कि पार्टी के अंदरूनी नेता भी कहीं ना कहीं इस तरह के षड्यंत्र में लगे हुए हैं, और यही वजह है कि आज राष्ट्रीय अध्यक्ष साथ मुलाकात में ये सारी चीजें क्लियर होंगी, उत्तराखंड के राजनीतिक हालातों से उन्हें अवगत कराया जाएगा। जी, इसके बाद अमित, खबर ये भी कि केंद्र सरकार के मंत्रियों से भी मुलाकात होनी है। जी बिल्कुल, देखिए अब से थोड़ी देर बाद यानी लगभग 2:30 बजे के आसपास जो है केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के साथ उद्योग भवन में बैठक होने वाली है। इस बैठक में उत्तराखंड सरकार के जो प्रोजेक्ट हैं उनसे रिलेटेड ये बैठक है, खासतौर पे चाहे वो रेल प्रोजेक्ट हो या अन्य प्रोजेक्ट हो, उन तमाम विषयों को लेकर ये मुलाकात होने वाली है। और जिस तरह से कुंभ खासतौर पे स्टार्ट होने वाला है, उसकी तैयारियां चल रही है, तो उसे लेके भी जो एजेंडा तैयार किया गया है उस एजेंडे को लेके पीयूष गोयल के साथ मुलाकात होगी, जिसमें ना सिर्फ उत्तराखंड को राहत देने की बात होगी बल्कि कई अन्य योजनाओं पे भी बात होगी। जी, नजर बनाए रखिएगा अमित, फिर आएंगे आपके पास अपडेट के लिए। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया।